सो गाइस अभी जो है ना दो बाइक्स आपके सामने और दोनों ही भाई लेजेंडरी है, क्योंकि यहाँ पे जो अपने पास करिश्मा XMR 210 है, उधर जो है R15, और दोनों की ड्रैग रेस तो करनी भाई बनती है। तो आज जो अपन ड्रैग रेस ही करने वाले हैं दोनों ही बाइक्स की, उससे पहले पावर बता देता हूँ और प्राइस बता देता हूँ। प्राइस सबसे पहले बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑन रोड जाती है अपनी R15 अराउंड 2,20,000 से 2,30,000 के बीच, डिपेंड करता है कौन सा वेरियंट ले रहे हो। उसके बाद करिश्मा जो है जाती है अराउंड 2,10,000 के करीब ऑन रोड। तो करिश्मा की जो पावर है वो 25 BHP की है, उसकी जो पावर है वो 18.6 BHP की है, एंड इसका जो टॉर्क है वो 20.4 NM का है, उसका जो है 14.1 NM का है। दोनों बाइक जो है ना लाइक ऑलमोस्ट सेम ही प्राइस रेंज में आती है, बट सेगमेंट अलग है। वो 155 cc की है, ये 210 cc की है, बट सेगमेंट यदि पावर वगैरह और जो है परफॉर्मेंस से देखा जाए तो ऑलमोस्ट सेम ही जो है सेगमेंट में आती है, और दोनों का जो कंपटीशन है वो बनता है। तो चलिए करते हैं ड्रैग रेस स्टार्ट और देखते हैं कौन सी बाइक विनर बनती है आज की इस ड्रैग रेस की। सो गाइस पहले जो है मैं R15 चला रहा हूँ, आयुष जो है चलाएगा करिश्मा XMR, और थर्ड ऑन पे अपन स्टार्ट करेंगे ड्रैग रेस। राउंड कितने लेने हैं? राउंड सिर्फ दो लेंगे, एक पे तू चला देगा। हाँ बस सेकेंड राउंड में अपन राइडर्स एक्सचेंज कर लेंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बाकी डिपेंड करेगा थर्ड राउंड की नीड हुई तो थर्ड राउंड भी वहाँ पर हम ले लेंगे, बट फिलहाल जो है हम टू राउंड्स की ही जो है सोच के चल रहे हैं। चल फिर। और एक और बात बता दूं भाई, करिश्मा जो है बिल्कुल नई है, R15 जो नहीं थोड़ी पुरानी हो गई है, अराउंड 12,000 किलोमीटर ही चल चुकी है। देखो इसके गियर भी अटक रहे हैं, मतलब न्यूट्रल ही नहीं हो रही है, बहुत टाइट गियर है। करें थर्ड ऑन पे करते हैं, तो भाई इनिशियल में जो है ना R15 और ये दोनों ही सेम है, बट वो जो है अब एकदम से आगे बीट कर चुकी है। XMR जो है काफी ज्यादा गैप बना जाती है, वो देखो कहाँ आगे पहुंच गई है। तो गाइस जो विनर है ना वो XMR है, क्योंकि उसका टॉर्क काफ़ी ज़्यादा है, इसका 14 NM का है, उसका 20.4 NM का है, तो अराउंड 6 Nm टॉर्क जो है उसका ज़्यादा है, दैट्स वाई वो विनर बन रही है। अभी राइडर्स एक्सचेंज करते हैं और फिर देखते हैं, क्या पता मैंने कोई कमी छोड़ दी हो, तो वो चीज़ जो है अपन यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। बाकी एक चीज़ यही है कि यार वो जो बाइक है ना उसमें पावर काफ़ी ज़्यादा है, दैट्स वाई वो इनिशियल में जा रही है, बट टॉप एंड जब अपन मारते हैं तो टॉप एंड में दोनों ही बाइक काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करती है। तो अभी राउंड सेकंड करते हैं, और सीन पता है क्या है, इसमें टॉर्क कम है, उसमें टॉर्क काफ़ी ज़्यादा है, तो इनिशियल में ही खींच जा रही है। तो सेकंड राउंड करते हैं गाइस, अभी थर्ड हॉर्न मैं बजाऊं, हॉर्न मैं बजाऊं, चल। ओ भाई ऊपर से उठ गई, ओ भाई साहब क्या रॉकेट है ये, रॉकेट सही बोल रहा हूँ भाई, रॉकेट ही है ये देखो क्या भयंकर स्पीड से जा रही है, तो इसको कोई बीट ही नहीं कर सकता इस सेगमेंट में, देख रहे हो R15 जस्ट मेरे पीछे है। और 136 के करीब जो है ये चली गई है। सो जो विनर है ना आज की इस ड्रैग रेस का, वो आपने साफ साफ देख लिया कौन है भाई, करिश्मा, हीरो की करिश्मा XMR विनर है। लेकिन मज़ा जब आएगा जब RS के साथ में करेंगे ड्राइव रेस, RC 200 के साथ में करेंगे, तो वो भी आने वाली है, क्योंकि उधर बाइक्स का काफ़ी लाज हम लेके आ चुके हैं, और वो पूरी सीरीज आपको देखनी है तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा MRD व्लॉग्स को जस्ट अभी। तो अभी जो है मैं आयुष से पूछता हूँ, सब कुछ परफेक्ट था? तेरा वेट कितना है? मेरा वेट अराउंड 80 kg के करीब। हाँ तो हम दोनों के वेट में लगभग 18 kg का डिफरेंस है, 17-18 kg का डिफरेंस है, तो उसका भी एडवांटेज जो है वो करिश्मा को मिलना, क्योंकि वो ऑलरेडी भारी है, इससे भारी है, इससे भारी है, फिर तू भी भारी था। हाँ तो इसलिए मेरे को इसका एडवांटेज मिला कि मैंने लॉन्च अच्छी करी, बट आगे में नहीं निकल पाया। काफी अच्छी की, लेकिन उसमें है पावर, उसमें ही है बड़ी पावर भी है यार, सही चीज, तो वो चीज ही अलग है भाई। बजट में अपन देख रहे हैं तो ये करिश्मा है बेटर है यार, करिश्मा बेटर, बट जब रिफाइनमेंट की बात आती है और हाँ तो उस चीज़ में जो है ना फिर यामा से बेटर कोई नहीं है, बट वैल्यू फॉर मनी चाहिए तो भाई करिश्मा है। तो चलो यार ये था कुछ आज की वीडियो में, आपने ड्रैग रेस देखी, करिश्मा XMR जो है विनर है आज की। तो चलिए मिलते हैं इसके बाद दूसरी ड्रैग रेस में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।